नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अप्रैल को दोपहर 3:15 बजे सीधी के महोखर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3:30 बजे के लगभग रीवा एयरपोर्ट पहुंचे तथा स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा आ रहे हैं, जिसका जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान 4,00,000 पीएम आवास हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे, साथ ही जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 7,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। भू स्वामित्व के पट्टे और अधिकार लोगों को वितरित करेंगे। केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ विंध्य के लोगों को देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचेंगे। सौभाग्य है कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी गुन्नी की इस पुण्य धरा पर पधार रहे हैं। पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें लेके आते हैं। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ 4,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेशम का कार्य करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन, सचमुच में ये अद्भुत काम है। गांव में भी घर पर पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल लगा के देने का, तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही स्वामित्व के पट्टे हैं, स्वामित्व के अधिकार, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है कि लोगों के पास जमीन तो थी लेकिन उसका अधिकार पत्र ही नहीं था, स्वामित्व का कोई कागज ही नहीं था, इसलिए उस जमीन का कोई उपयोग ही नहीं था कागज की दृष्टि से देखें तो। लाखों लोगों को वो स्वामित्व के अधिकार पत्र भी बांटेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं का, रेलवे सहित, वो लाभ देने वाले हैं। हजारों करोड़ों रुपए की सौगात विंध्य को, मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी के आगमन की खबर सुनकर ही पूरे प्रदेश में और विंध्य में अत्यंत उल्लास और हर्ष का वातावरण है और कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, विंध्य की परंपरा के अनुरूप त्यौहार और उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को, क्योंकि सौगातें मिल रही है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो मनाने का हम लोगों ने फैसला किया है और आज वही व्यवस्था देखने की दृष्टि से वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। हाँ, वंदे भारत अभी ट्रेन के, रेलवे के सारे कार्यक्रमों की सूची आ रही है, तो सूची जारी की जाएगी। ठीक है।